नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन आज गढ़वा जाएंगे। यहां पर सीएम हेमंत सोरेन कल्याणपुर स्थित नए समाहरणालय भवन का शिलान्यास करेंगे, साथ ही घंटाघर का भी उद्घाटन करेंगे और इसके साथ सीएम यहां पर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। इस दौरान विभिन्न विभागों में नियुक्त कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे और साथ ही सीएम वादा मोड़ स्थित आशीर्वाद वाटिका में आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह में भाग लेंगे। कार्यकर्ता मिलन समारोह में जिले भर के काफी संख्या में दिग्गज राजनीतिज्ञ, पूर्व विधायक, पंचायत प्रतिनिधि समेत काफी संख्या में लोग जेएमएम का दामन थामेंगे। मिलन समारोह के बाद मुख्यमंत्री कल्याणपुर में समाहरणालय भवन निर्माण का शिलान्यास और हेलीपैड के सामने बिरसा मुंडा स्मारक का भूमि पूजन भी करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री आज हेमंत सोरेन गढ़वा दौरे पे हैं। गढ़वा दौरा में कई सारी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है आज जो उनका मुख्य कार्यक्रम है समाहरणालय का शिलान्यास करेंगे, जो पुराना समाहरणालय से लगभग 2 किलोमीटर बगल में कल्याणपुर में इस समाहरणालय का शिलान्यास करेंगे। उसके साथ गढ़वा रंका मोड़ पर अपनी दर्शनी घंटा घर का उद्घाटन करेंगे, साथ ही एक मैरिज हॉल है वहाँ पे जाकर उद्घाटन करेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं का साथ सम्मेलन करेंगे। हमारे स्थानीय प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है, प्रशासनिक पदाधिकारी उनसे मैं बात करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर तैयारी कितनी तरह से की गई है, क्या तैयारी हुई। आज हमारे मुख्यमंत्री जी का हमारे जिला में समाहरणालय भवन का शिलान्यास किया जाना है। हम लोग यहाँ प्रशासनिक पदाधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं, उनकी हर गतिविधि यहाँ के किसी भी प्रकार की जो भी कार्य है उसकी हर गतिविधि पर हम लोग की नज़र। मेरा प्रतिनियुक्ति यहाँ दंडाधिकारी को डी एरिया में मुझे किया गया है, मैं डी एरिया के रूप में यहाँ पर। सर तैयारी बिल्कुल पुख्ती है और सारी चीज़ों की तैयारी एक साथ हम लोग कंप्लीट एक एक बिंदुओं को देख रहे हैं, कहीं पर कोई चूक नहीं है और सारे चीज़ों को एकदम जिला प्रशासन और पुलिस फोर्स की पर्याप्त सहयोग के साथ बढ़िया से कार्यक्रम आयोजन करने की हम लोगों की पूरी तैयारी है। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि जो पूर्व विधायक थे झारखंड बोनाक विधानसभा क्षेत्र के, वो आज अपने सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता के साथ अनंत प्रताप देव शामिल होने वाले हैं, जो इनपुट मिल रहा है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे ताहिर अंसारी, कहा जा रहा है कि वो भी अपने हजारों कार्यकर्ता के साथ आज शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं खुशी है, अब ये देखना होगा कि कार्यक्रम स्थल पे आने के बाद माहौल कैसा होगा। आशीष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं राकेश गढ़वा से। राकेश, हेमंत सोरेन कल्याणपुर स्थित नए समाहरणालय भवन का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और क्या क्या कार्यक्रम है यहाँ? देखिए, शिलान्यास से पहले मुख्यमंत्री जो है वो रंका मोड़ पहुंचेंगे और यही नया घंटा घर बना है जिसका मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। हम अपने कैमरामैन विशाल से चाहेंगे कि जरा घंटा घर की तस्वीर को दिखाए। ये घंटा घर है और आप कह सकते हैं कि अब गढ़वा में एक नए पहचान के तौर पर इसे अब देखा जाएगा घंटा घर को। और पहले ये जगह रंका मोड़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसकी पहचान आप कह सकती हैं कि बदल जाएगा अब इसकी पहचान। और ये भी आप कह सकते हैं कि पहचान एक तरीके से बदल गया जब से ये बनकर तैयार हुआ है। तो ये घंटा घर और इसी घंटा घर का मुख्यमंत्री जो है तकरीबन 11:30 बजे के आसपास, हालांकि 11:40 का वक्त है मुख्यमंत्री का, उस समय मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और इस नए घंटा घर का उद्घाटन करेंगे। और ठीक इसके बगल में स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा का मुख्यमंत्री जो है वो अनावरण भी करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जब घंटा घर का निर्माण हो रहा था तो इसी प्रतिमा को लेकर, इंदिरा गांधी की जो प्रतिमा जो पहले से यहाँ स्थापित है उसको लेकर कुछ विवाद भी हुआ था, हालांकि बाद में वो विवाद सुलझा लिया गया। जो पीछे स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जो प्रतिमा स्थापित है उसके जगह एक नई प्रतिमा यहाँ बना दी गई है और इसका मुख्यमंत्री जो है वो अनावरण करेंगे। तो पूरा एक उत्साह का माहौल है। अगर हम कैमरामैन से चाहें कि जरा बाहर की तस्वीर दिखाएं, लोगों से ज़रा रूबरू कराएं
तो आप देखेंगे कि गढ़वा में एक तरीके से आज का जो दिन बेहद खास गढ़वा के लिए, गढ़वा वासियों के लिए, और एक जबरदस्त उत्साह का वातावरण है। लोगों में इस घंटाघर को लेकर काफ़ी उत्सुकता है और लोगों को लगता है कि एक नई पहचान इस घंटाघर के बन जाने से गढ़वा को मिली है, तो लोगों में उत्साह है। और मुख्यमंत्री का बेसब्री से यहाँ के जो लोग हैं, गढ़वा के जो लोग हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। तकरीबन 11:30 में मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पहुँचेंगे। तैयारियाँ जो हैं वो लगभग पूरी कर ली गई है, थोड़ी बहुत जो कमी बेसी होती है उसको देखा जा रहा है, लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है ज्योत्सना। और अब लोगों को इंतज़ार है मुख्यमंत्री के आने का, उस पल का जब मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद होंगे, साथ में जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जो राज्य सरकार में मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, पेयजल स्वच्छता विभाग के जो मंत्री हैं उनकी मौजूदगी होगी। और जब दोनों यहाँ पहुँचेंगे तो उस वक्त इस घंटाघर का उद्घाटन होगा और एक नई पहचान गढ़वा को आज आप कह सकती हैं मिलने जा रहा है। बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से, जिस खूबसूरती से आपने बताया और दिखाया हमारे दर्शकों को कि किस तरह से घंटाघर का निर्माण किया जा रहा है, क्या आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप बात कर पाए? देखिए स्थानीय लोग तो हैं, हम जरा उनसे जुड़ते हैं, हालांकि पार्टी के भी लोग हैं। ये बताइए कि कितना उत्साह है इस घंटाघर को लेके लोगों के बीच में? बहुत ज़्यादा उत्साह है, और क्योंकि ऐतिहासिक ये हम लोग के लिए, गढ़वा के लिए बहुत गौरव की बात है कि घंटाघर का यहाँ पर निर्माण करवाएं माननीय मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा, और इस तरह का कार्य पहले देखने को नहीं मिला। और पब्लिक में भी, जनता लोग में भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम 3 दिन से यहाँ पर देख रहे हैं कार्य होते भी रहा है और लोग यहाँ सेल्फी लेना, फोटो लेना, बहुत खुशी का माहौल दिख रहा है। आज हम लोग घंटाघर का इंदिरा प्रियदर्शनी घंटाघर का हम लोग एक महोत्सव की तरह मनाकर इसका शिलान्यास करवाना चाहते हैं, उद्घाटन करवाना चाहते हैं। आप बताइए मैडम, कैसा उत्साह देख पा रहे हैं गढ़वा के लोगों में इस घंटाघर को लेकर? बहुत खुशी की बात है, मैं रेडियो उद्घोषिका शालिनी श्रीवास्तव डाल्टेनगंज से यहाँ पे आई हूँ। बहुत खुशी का, फख्र की बात है कि गढ़वा में इतना बड़ा समारोह हो रहा है और झारखंड सरकार बनने के बाद पहली बार हमारे CM यहाँ पर आ रहे हैं और उनके कर कमलों से जो ये घंटाघर का उद्घाटन होगा, बड़ी खुशी की बात है गढ़वा के लिए। आ रहे तो उत्साह और ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। मांदर की थाप एक पारंपरिक वेशभूषा के साथ नृत्य करती हमारी बालिकाएं नजर आएंगी, साथ में हमारा गढ़वा एक उत्साह से भरा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार है वो ऐसे ही हम सभी मतलब नगरवासी का ख्याल रखे। बहुत बिल्कुल, देखिए उत्साह का वातावरण है और लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खुशी है कि गढ़वा को अब एक नई पहचान मिली है इस घंटाघर के तौर पर, और तमाम तैयारियां की जा रही है। अंतिम आप कह सकते हैं कि तैयारियों का अंतिम ये दौर, और कहीं कोई कमी बेसी न रह जाए उसका ख्याल रखा जा रहा है, और गाजे बाजे की भी पूरी तैयारी की गई है। तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं, और जैसे ही मुख्यमंत्री आएंगे तब आप उस समय का जो उत्साह होगा, उसका जो चरम होगा, वो देखने लायक होगा यहाँ। लेकिन अभी से ही लोगों में कहीं ना कहीं एक बड़ी उत्सुकता भरी नज़रों से लोग अपने मुख्यमंत्री का इंतज़ार कर रहे हैं, गढ़वा के लोग इंतज़ार कर रहे हैं और सीधे वो अपने मुख्यमंत्री से रूबरू होंगे। इसके अलावा जो कार्यक्रम है, कार्यकर्ता सम्मेलन भी है, तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी उत्साह है, उनमें भी ऊर्जा का संचार है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनसे रूबरू होंगे। और सबसे एक जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट यहाँ होना है भवनाथपुर सीट को लेकर, क्योंकि भवनाथपुर से जो कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे अनंत प्रताप देव, जिनको छोटे राजा के नाम से जाना जाता है, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो दामन थामेंगे, तो एक पॉलिटिकली भी कई सारी चीज़ें आज देखने को मिलेगी। हो सकता है 2024 में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर वहाँ से उम्मीदवार भी हो, हालांकि ये तमाम चीज़ों फिलहाल कयासों के दायरे में ही है, लेकिन वो वहाँ से चूंकि कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं, भवनाथपुर में अच्छी पकड़ भी उनकी रही है, तो तमाम चीजें आज देखने को मिलेगा। गढ़वा के लिए उत्सव का वातावरण है ही, JMM के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट यहाँ से होने जा रहा है। बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से जिसका आयोजन किया गया घंटाघर का, जैसा कि आपने बताया कि गढ़वा के लिए बहुत ही एक अविश्वसनीय एक तस्वीर है, एक
चीज है जो गढ़वा को एक नया आयाम देगी, एक नई पहचान देगी। और जब भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो स्थानीय जो लोग होते हैं वो बहुत उत्साहित होते हैं। जो कार्यकर्ता हैं जेएमएम के वो तो होंगे ही, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनको भी अच्छा लगता है कि चलो गढ़वा में एक अच्छी चीज है, एक नई पहचान है, एक घंटा घर उन्हें मिला है जो बहुत भव्य है। और जिस तरह की तैयारियां आप दिखा रहे हैं, तैयारियां भी बहुत भव्य दिखाई दे रही हैं। आपके आसपास की जो चीजें हम देख रहे हैं, जिस तरह से खूबसूरती से सजाया गया है, राकेश ये समझना चाहेंगे कि सीएम जब पहुंचेंगे वहां तो और क्या कुछ कार्यक्रम वहां पे होने वाला, जैसे खबर ये भी थी कि मिलन समारोह भी होने वाला है, कई लोग जो हैं वो जेएमएम का दामन थामने वाले हैं। उसी बात का मैं आपसे थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी यहां से होने जा रहे हैं। भवनाथपुर से जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं अनु प्रताप देव, वो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामेंगे। इसके अलावा बसपा के कुछ नेता जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामेंगे। तो कई सारी चीज़ें होंगी आज गढ़वा के अगर लिहाज से चीज़ों को देखें तो। एक तो घंटाघर का जो उद्घाटन है वो तो होना ही है, इसके अलावे नए जो शिलान्यास भी होगा। जो देखिए बहुत सारा काम भी चल रहा था, थोड़ा डिस्टर्बेंस भी है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम चीज़ों को दिखाते रहे। तो बहुत सारी चीज़ें होनी है आज, जो नया संग्रहालय बनना है उसका आज आधारशिला मुख्यमंत्री रखेंगे, साथ में जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, राज्य सरकार में जो मंत्री है मिथिलेश ठाकुर, वो भी मौजूद रहेंगे। और घंटा घर को लेकर जो उत्सुकता है वो तो है ही, पॉलिटिकली भी कई सारी चीज़ें, कई सारी डेवलपमेंट यहाँ से होने हैं। तो आप थोड़ा इंतज़ार करना होगा, तकरीबन 11:40 के आसपास का समय निर्धारित है मुख्यमंत्री के आने का, और उसके बाद बैक टू बैक सारे कार्यक्रम होने हैं। तकरीबन 3:30 बजे तक मुख्यमंत्री की मौजूदगी गढ़वा में रहेगी। बिल्कुल राकेश, आप ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनिए, हम आपसे फिर अपडेट लेते रहेंगे जब सीएम वहां पहुंचेंगे और कार्यक्रम शुरू होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो भूमि पूजन शिलान्यास समारोह यहां होने वाला है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।